दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले दिन के खेल के समाप्त हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने खराब पिच और जडेजा को लेकर दिया है भड़काऊ बयान। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन जडेजा की गेंदबाजी और खराब पिच को लेकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने ऐसा जहरीला बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपको भी लगने लगेगा कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के सामने सांप में भी ना के बराबर जहर होगा। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने मैदान और जडेजा की गेंदबाजी को लेकर कौन सा भड़काऊ बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंदौर टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। भारत ने पहली पारी में 109 रन बनाए थे। इस लिहाज से ऑस्ट्रेलियाई टीम अब तक 47 रन की बढ़त ले चुकी है। दरअसल इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने बेहतर प्रदर्शन किया और भारतीय टीम मात्र 109 रन पर 33.2 ओवर में ऑल आउट हो गई, जहां पर विरोधी टीम की तरफ से कोहेन मैन ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, तो वहीं लॉयन ने 3 और मर्फी ने 1 विकेट हासिल किया। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने आई तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 156 रन 4 विकेट के नुकसान पर दिन के समाप्ति के साथ बना दिए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम के 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट कर दिया और भारतीय टीम को मुकाबले में वापसी करा दी है। ऐसे में खराब मैदान और रविंद्र जडेजा को लेकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने बयान जारी किया है, जिसमें ब्रेटली ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम ने एक बार फिर से चाल चली और एक ऐसी पिच बनाई जिस पर पूरे तरीके से फिरकी गेंदबाजों का दबदबा कायम रहता है। मुझे नहीं लगता कि इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को थोड़ा भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जिस अंदाज से यहां पर फिरकी गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की है उसे देखकर लग रहा है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है, लेकिन अभी तक हम पूरे तरीके से मजबूत हैं। इसके अलावा एडम गिलक्रिस्ट ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैदान पर भारतीय गेंदबाजों से ज्यादा हमारे बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हमारे बल्लेबाजों ने काफी अभ्यास करते हुए इस मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी कर ली है। इस मुकाबले में किसी भी भारतीय गेंदबाज का बेहतर प्रदर्शन हमारे बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की है। हालांकि पहले दिन उनका बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन दूसरे दिन उनके द्वारा बिल्कुल भी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, शेन वाटसन ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैदान पर फिरकी गेंदबाजों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर फिरकी गेंदबाज के अलावा तेज गेंदबाजों को कोई भी फायदा मिलेगा। हालांकि दोनों टीम की तरफ से फिरकी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, तो वहीं भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने हमको बांध कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि रविंद्र जडेजा ने पहले दिन बेहतर गेंदबाजी की है, लेकिन अब दूसरे दिन उनका बिल्कुल भी खतरनाक प्रदर्शन देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके खिलाफ हमने तैयारियां कर ली हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में भारत को जीत मिल पाएगी कि नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।